हरियाणा में अवैध मीट की दुकानों को बंद करने का फरमान सूबे की मनोहर सरकार ने जारी किया है, जिसके बाद अधिकतर मीट कारोबारियों को अपनी रोजी रोटी का डर सताने लगा है। शहर में चल रही ये मीट की दुकानें यहां लंबे अरसे से हैं, लेकिन 2010-11 के बाद निगम द्वारा इनके लाइसेंस रिन्यू नहीं किए गए। फिलहाल इस मामले को लेकर जहां सूबे की सरकार के मंत्री अनिल विज अवैध मीट की दुकानों को हर हाल में बंद करने की बात कर रहे हैं, वहीं विरोधी दल के नेता अभय चौटाला ने सरकार को नसीहत दी है कि अगर कोई अवैध है तो उसे बंद करवाया जाए, अवैध की आड़ में किसी को तंग ना किया जाए। अंबाला से जाट टीवी न्यूज के लिए कृष्ण बाली की रिपोर्ट। 4, 10 और 11 तक हमारे लाइसेंस बने हुए हैं, इसके लिए हम कई बार निगम पे जा चुके हैं, रिन्यू नहीं कर रहे हैं। पहले लाइसेंस इन्हीं दुकानों के बने हुए हैं। सरकार से यही चाहते हैं कि हमें एक अलग से मीट मार्केट बना के दी जाए, हम वहाँ पे जाने को तैयार हैं। क्या कहेंगे इसको? कोई इलीगल चला रहा है तो बंद करो, लेकिन इलीगल की आड़ में किसी को तंग ना करो। हरियाणा में कोई ऐसा इलीगल स्लॉटर हाउस हो, ये छोटे मोटे जो शहरों में ये मीट बिकता है, हाँ उनको बंद करने के आदेश दिए कि उनको बंद किया जाए। नहीं, ये तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को देखना होता है कि जहाँ वो लाइसेंस मांग रहे हैं वहाँ लाइसेंस दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता।